हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सिम चाहते हो? जियो सिम? तो देन खोलो प्ले स्टोर और लिखो माई जियो। तो मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं, तो हम वहाँ पे देखते हैं। अब आपके सामने सारे ये ऐप्स होंगे, तो आपने यहाँ पे लिखना इंस्टॉल जियो ऐप्स, यहाँ पे क्लिक करना है और आपका प्ले स्टोर खुल जाएगा और सारी ऐप्स इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो देन उसके बाद क्या करना, आपने सारे इंस्टॉल जियो ऐप्स करके उसके बाद आपने माई जियो ऐप जो अनइंस्टॉल कर देना। वो क्यों? क्योंकि अब जो माई जियो ऐप आप इंस्टॉल करोगे वो प्ले स्टोर का न्यू वर्जन है और उस पर गेट जियो सिम नहीं फ्री मिल रहा, तो आपने क्या करना है वो अनइंस्टॉल कर देना। और जो इंस्टॉल करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा आपको, उसमें आपने इंस्टॉल कर लेना। और क्या करना है, वहाँ से इंस्टॉल करके माई जियो, और जो वो तो पहले से इंस्टॉल होंगी आपकी, उनको वैसे ही रहने देना। उसके बाद आपने माई जियो ऐप खोलना है। ठीक है, और ध्यान रहे आपका नेट नहीं चलना चाहिए। अब जैसे हमारा नेट चल रहा है तो ये अपडेट कह रहा है, ये आपका नेट नहीं चलना चाहिए, इसके लिए कोई भी मोबाइल डाटा या वाईफाई कोई भी नहीं चलना चाहिए, इसलिए आप इसको बंद कर दीजिए। बंद करके फिर आप दोबारा खोलिए माई जियो ऐप या रिस्टार्ट कर लीजिए एक बार फ़ोन अगर नहीं आता। उसके बाद खुल गया माई जियो ऐप, उसके इसको ओपन कीजिए, देन ये आपका ऑप्शन अवेलेबल हो जाए गेट जियो सिम, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब क्या है, ये कह रहा है इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो देन आप अपना वाईफाई या कोई भी इंटरनेट चूज़ कर सकते हो। और जैसे मैंने वाईफाई चलाया, आप मोबाइल डाटा या वाईफाई कोई भी चला सकते हो। ओके दबा के देन बैक करके गेट जियो सिम जल्दी क्लिक कर देना, नहीं तो अब दोबारा आ गई है प्रॉब्लम। तो आप दोबारा यहाँ रीसेट कर लो या माई जियो बंद कर दीजिए। अब दोबारा हमको वाईफाई ऑफ करना पड़ेगा। अब दोबारा खोलो माई जियो ऐप। गेट जियो सिम, कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो कोई बात नहीं, अब कनेक्टेड कर लिया आपने। अब ओके, अब फास्टली करना, ठीक है, गेट जियो सिम हो गया। अब देखिए, मैंने तो ये पहले से कर किया रखा है, तो आपको आएगा पहले भी आप कौन कौन से प्रूफ ले गए यानी वो सब कुछ आएगा। अब नेक्स्ट कर देना, उसका एक आपको कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आप उस कोड को या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नेक्स्ट कर दीजिए, क्योंकि वो अपना गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपका कोड जनरेट हुआ है, या आप जो लाइन्स के जियो के जो नज़दीक वाले हैं स्टोर, उन पे जाना है, उनको ये कोड दिखा के अपने जियो सिम ले लेना है। ठीक है फ्रेंड, और थैंक यू, और आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।